मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। अपना आज का वीडियो होगा व्हीकल एंटीना इंस्टॉलेशन। जैसे कि नाम से ही पता है व्हीकल, व्हीकल यानी गाड़ी। गाड़ी में एंटीना किस प्रकार लगेगा और किस तरह से अपना कम्युनिकेशन होगा, ये मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपन ने हाथ में यदि अंगूठी, कड़ा या कोई घड़ी या किसी भी धातु की कोई चीज़ पहन रखी है तो आप गाड़ी में एंटीना लगाते समय उस चीज़ को निकाल दें। इसके अपन को बहुत ही बुरे नुकसान हो सकते हैं। वो नुकसान क्या होंगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। व्हीकल एंटीना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। व्हीकल एंटीना अपने वायरलेस में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसमें कोयल लगी रहती है और एक होता है जिसमें कोयल नहीं लगी होती। जिसमें कोयल लगी होती है उसकी गेन होती है 3 dB और जिसमें कोयल नहीं होती उसकी गेन होती है 0 dB। व्हीकल एंटीना को हमेशा दरअसल के लंबवत लगाते हैं। लंबवत लगाने से उसका कम्युनिकेशन बेटर होगा। अपन ने देखा है कि कई गाड़ियों के अंदर एंटीने इस तरह से लगे हुए होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं, एंटीने का कम्युनिकेशन होगा लेकिन इससे अपना कम्युनिकेशन जो बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए अपन को हमेशा धरातल के लंबवत एंटीना लगाएंगे तो इसका कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह एंटीना लगाने से जो उसकी तरंगे हैं वो बहुत ही जल्दी ग्राउंड होंगी और अपने कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत आएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटीना अपन किस प्रकार लगाएंगे, आइए देखते हैं। एक्स्ट्रा भी कई प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं लेकिन अधिकतर यही गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों के अंदर एंटीने किस प्रकार लगेगा ये आपको देखते हैं। भी प्रकार की कोई भी गाड़ी आती है तो सबसे पहले अपने को ये चीज़ देखनी है कि इस गाड़ी में अपन एंटीना किस जगह लगाएं, क्योंकि अपने पास चुनाव के टाइम इनोवा गाड़ी भी आती है, इस XUV भी आती है, बुलेरो भी आती है, अलग अलग प्रकार की कई गाड़ी आती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इनोवा गाड़ी में। इनोवा गाड़ी के अंदर सेट लगाने के लिए सबसे जो बढ़िया जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनोवा गाड़ी का जो डैशबोर्ड जो आगे बोनट होता है इसमें आप यहाँ स्क्रू लगे हुए रहते हैं। इस स्क्रू के द्वारा ये जो पत्ती होती है एंटीना की ये सीधी होती है। इस पत्ती को अपन प्लास की सहायता से और इसके हिसाब से एडजस्ट करते हुए और यहाँ पे इसको मोड़ते हुए एंटीना को लगाएंगे। उसमें अपन को ये देखना है कि ये गाड़ी का जो बोनट है बोनट ही बंद हो जाए और एंटीने के वो टच भी ना हो, और ऐसा करते हुए इस एंटीना को या जो पेच है उस पेच को खोलते हुए एंटीना अपन लगा देंगे। अब इस गाड़ी में अपन एंटीना लगाएंगे, देखते हैं। ये देखिए अपन ने इस एंटीना को यहाँ धरातल के बिल्कुल लंबवत लगा दिया है। एंटीना को लगाने के बाद जो एंटीना की कोएक्सियल केबल है ये पुलर एंटीना के अंदर 10 फीट लंबी आती है। इसका अपन इधर से एक राउंड ले लेंगे। राउंड लेने से इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको अपन गाड़ी के अंदर लेके जाएंगे तो इसमें अगर ये केबल खींचेगी तो यहाँ पे इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अपनी कोएक्सियल केबल को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी अपन ने गाड़ी में एंटीना इंस्टॉल कर दिया है। अब दूसरा जो अपना काम आता है बैटरी लीड। बैटरी लीड ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से अपन जोड़ देंगे। अभी मैं आपको डेमो के रूप में दिखाने के लिए इसको बाहर से ही जोड़ रहा हूँ। अब देखिए इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया अपन ने। वैसे इसको जोड़ने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है, ये नट दोनों है, दोनों नट खुलते हुए ये टायर ये जो वायर है ये यहाँ से पूरा इसके राउंड होगा, उसके बाद ये नट कसे जाएंगे। अब मैंने आपको ये कहा था कि अपन को किसी प्रकार की अंगूठी, कड़ा या कोई घड़ी वगैरह पहनते हैं वो निकाल देना चाहिए। वो क्यों निकाल देना चाहिए वो देखिए, इस गाड़ी के अंदर यहाँ एक रोड नहीं लगी रहती लेकिन कई गाड़ियाँ होती हैं जिसमें वो रोड लगी रहती है, उससे स्पार्किंग होती है। कैसे होती है वो देखिए अपन दूसरी गाड़ी में देखते हैं क्या किस प्रकार होगी। ये बुलेरो गाड़ी है और इसमें ये एक रोड लगी रहती है, ये कई गाड़ियों में रोड लगी हुई रहती है। उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब अपन बैटरी के पॉजिटिव सिरे को यूं कस रहे होते हैं चाबी की सहायता से तो ये चाबी भूलवश इसके टच होती है। ये देखिए ये स्पार्किंग हो रही है यहाँ। ये दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, कभी आप इसका प्रैक्टिकल ना करें क्योंकि आपसे इसको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था आप किसी प्रकार की अंगूठी, कड़ा या फिर कोई धातु की जो चीज़ आपने पहन रखी है वो एंटीना इंस्टॉल करने से पहले वो आप ये निकाल दें। आप इसको प्रैक्टिकल ना करें, मैंने आपको बताया ये नुकसान हो सकता है। देखिए ये एंटीना की कोएक्सियल केबल और ये बैटरी लीड ये दोनों अपन गाड़ी के अंदर ले आए हैं। अब अंदर लाने के बाद इस गाड़ी के अंदर पूरे को अपन इसको अंडरग्राउंड कर देंगे ताकि ये ना कोएक्सियल केबल और ना लीड किसी के पैरों में ना आए और ना ये बाहर दिखे। इसको अंडरग्राउंड करने मैं अभी कर रहा हूँ, आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं करने के बाद आपको बताता हूँ। ये देखिए ये एंटीना इंस्टॉलेशन है, स्टैंड है, इसको अपन ने यहाँ इस गाड़ी में कस दिया है।
और कसने के बाद ये कोएक्सियल केबल और ये बैटरी लीड अपन गाड़ी के अंदर से पूरा अंडरग्राउंड करते हुए ले आए हैं और अब इस सेट को यहाँ अपन लगा देंगे। ये अपन ने सेट को इंस्टॉलेशन किट में लगा के और पूरी तरह कस दिया है। अब आप ये देखिए, ये कोएक्सियल केबल और बैटरी लीड अपन को आगे से लेकर यहाँ बिल्कुल इसके साथ साथ लेते हुए और अंडरग्राउंड करते हुए मैटिंग के नीचे से लेते हुए अपन ने यहाँ निकाली है, ताकि किसी के पैरों में नहीं आए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ना किसी को ये दिखे। यहाँ अपन लेके आ गए हैं। अब देखिए, अपन कम्युनिकेशन करते हैं। सिटी वर्कशॉप सिटी, रोजर, ये अपना कम्युनिकेशन हो गया है। यहाँ से सिटी कंट्रोल 10 किलोमीटर दूर है और अपनी आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ अपना व्हीकल एंटीना इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है और अपन फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।